देखते बेटा, क्वेश्चन हमारा यह है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है बेटा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कुछ ब्लॉक्स रखे हैं बेटा, एक के ऊपर एक रखे हैं ब्लॉक, एक ब्लॉक ये रखा हमारा है 20 किलोग्राम, इसके ऊपर एक और रखा है ब्लॉक, ये है बेटा 10 किलोग्राम, और इसके ऊपर एक और रखा है ब्लॉक, ये है बेटा 5 किलोग्राम, ठीक है। हमारा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहां का है 0.1, यहां का 0.5, और यहां बेटा 1.2, ठीक है बेटा। अब यहां से हम फोर्स लगाए बेटा ऐसे, ठीक। तो सवाल एक आता है, फाइंड मिनिमम एफ, कम से कम एफ कितना, टू कॉज स्लाइडिंग एनीवेयर, है ना बेटा, कहीं भी तुम स्लाइडिंग करवा दो, कहीं भी स्लाइडिंग करवाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगेगा। सवाल समझ गए बच्चा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 5 kg के नीचे, 5 kg के नीचे बेटा 1.2, 10 के नीचे 0.5, और 20 के नीचे 0.1। कहता बेटा कम से कम फोर्स कितना लगाएं हम लोग ताकि कहीं भी स्लाइडिंग शुरू हो जाए, या तो 5 और 10 के बीच में, या तो 10 और 20 के बीच में, या 20 और ग्राउंड के बीच में, कहीं भी स्लाइडिंग हो जाए। चलो करो बच्चा। राजीव का आंसर, अथर्व का भी आया, आदर्श का आया, तो देख बेटा
सबसे पहले काम किया जाए कि हर पॉइंट पे निकाला जाए बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। तो चल देख बच्चा, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट, थर्ड कांटेक्ट, ठीक है बच्चा। बताओ तो फर्स्ट कांटेक्ट के लिए बेटा नॉर्मल बोलो कितना, 60 न्यूटन, बोलो बेटा 50 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वन कितना बोलो, 60 न्यूटन। एन टू बोलो कितना सर, 150 न्यूटन। तो बोलो एफ एल टू कितना बेटा, 75 न्यूटन। अब बोलो एन थ्री कितना बेटा सर, 350 न्यूटन। तो एफ एल थ्री कितना बेटा, 35 न्यूटन। सही बोला है ना। तो अब सोचो बेटा सबसे कमजोर फ्रिक्शन कौन सा है, ग्राउंड वाला। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्लियर हो गया कि मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट स्लाइडिंग इज एफ इक्वल टू 35 न्यूटन, है ना बेटा। स्लाइडिंग कहाँ होगा, ग्राउंड और 20 kg के बीच में। यस सर, है ना बेटा। अगला हमारा सवाल है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एट ईच कॉन्टेक्ट इफ F is equal to F = 49 न्यूटन, ठीक है बच्चा। चलो करो, राजीव गोयल का आया आंसर कुछ। हजीव का आया, संस्कार का आया, अथर्व का आया।
करो बच्चा करो। सर बोलो। सर आपने हम लोग को जो लास्ट क्लास के लास्ट क्लास में जो आपने एक लास्ट क्वेश्चन दिया था जिसमें हाँ? एक ब्लॉक था वो एक पुली से लटका हुआ था और वो फोर्स को नीचे मतलब ब्लॉक्स को नीचे खींच रहा था, तो हमें हाँ? एक ब्लॉक का मास बताना था कि कितना मिनिमम मास रखें ताकि जो सिस्टम है वो रुक जाए। हाँ? तो इसी टाइप का सर एकदम सेम क्वेश्चन फ्रिक्शन की शीट में मैंने देखा जेई मेंस में पूछा गया था। हुँ? तो वर्डिंग उसकी वर्डिंग्स बिल्कुल सब एकदम सेम सेम थी, तो हम सोचा कि इसको ट्राई कर लें, तो सर ट्राई करने पे आंसर नहीं आ रहा, आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। यस सर, कुछ मेरा 25 केजी के आसपास आ रहा है और आंसर में एक ऑप्शन है 27 केजी और वो करेक्ट है। हाँ बेटा, तो 25 हमारा मिनिमम है बेटा, इसका मतलब 25 ज्यादा भी काम में भी काम हो जाएगा ना। यस सर, काम तो हो जाएगा। हाँ तो फिर 25 का जो सबसे पास वाला ऑप्शन होगा उसको चूज कर लेंगे। ओके समझे। चलो देखो बेटा, इस सवाल में बच्चा कहता है फोर्स लगा दिया बेटा हमने 49, तो देख बेटा फोर्स अगर हम लगा देंगे 49 पापा बुला गया। तब तो बेटा आवाज बंद करो, न्यूज म्यूट करो, सब लोग अपने आप को छान लिया, सब लोग म्यूट करो। नहीं नहीं अभी मैं पढ़ रहा हूँ। देख बच्चा तो ये तो पक्का हो गया वो बॉडी स्लाइड करेगा बेटा, है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ स्लाइडिंग होगी, है ना बेटा। अब मुझे ये देखना है कि कहीं और भी स्लाइडिंग हो सकती है क्या, वो तुमको पता नहीं बच्चा। क्या करते हैं बताओ तरीका इसका, हम मान लेते हैं लेट द ब्लॉक्स, लेट द ब्लॉक्स मूव टूगेदर, है ना बेटा, यही मानते हैं ना हम लोग कि मान लिया सारा बॉडी एक साथ जाएगा बेटा, तो सारा बॉडी एक साथ जाएगा तो पूरा हमारा मास कितना हो गया बेटा बोलो, 35 केजी, और हमारा फोर्स कितना है बेटा 49 न्यूटन, है ना बेटा। तो गौर करने की बात यह है बेटा, यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा वो तो हो जाएगा इंटरनल फोर्स, यहाँ का फ्रिक्शन भी हो जाएगा बेटा इंटरनल, लेकिन यहाँ का फ्रिक्शन तो काउंट होगा ना बच्चा बोलो। यस सर। और हम कंफर्म जानते हैं कि थर्ड वाला फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक ही होगा, है ना बेटा। तो इसका कॉमन एक्सीलरेशन ए कितना बोलो, ए इक्वल टू 49 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 35, है ना, दैट इज इक्वल टू 2/5 ना बेटा बोलो, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बेटा। ठीक है, तो अब देखा जाए बेटा कि अगर हम 5 केजी वाला ब्लॉक की बात करें, है ना बेटा, तो 5 केजी वाला ब्लॉक की बात करें तो हमने तो फोर्स कितना लगाया था बेटा इस पे 49, है ना बेटा। यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा ना बेटा वो इसका विरोध करेगा ना, F1 स्टैटिक, है ना बेटा। yes, और एक्सीलरेशन हमारा है a, तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, लिखेंगे बेटा 49 माइनस F1s इक्वल टू 5a, बोलो बच्चा। yes, है ना, और a का वैल्यू कितना है 0.4, इसका मतलब हो गया बेटा Fs1 इक्वल टू, अच्छा F1s था, F1s इक्वल टू 49 माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 47 न्यूटन। बताओ तो बेटा लिमिटिंग से कम है कि नहीं है, कम है, लिमिटिंग से कम है कि नहीं है, कम है, कम है, इसका मतलब है ना बेटा एक्सेप्टेबल। यस सर, एक्सेप्टेबल। अब चलो बात करें बेटा 10 किलोग्राम की, तो देख बेटा 10 किलोग्राम पे एक्शन का रिएक्शन फोर्स लगेगा ऐसा F1s, और यहां से पीछे लगेगा बेटा F2s, बोलो, है ना। तो इक्वेशन लिखेंगे बेटा हम लोग F1s माइनस F2s इक्वल टू 10a, है ना बच्चा। F1s कितना बेटा आ गया था 47 माइनस F2s इक्वल टू 10 इंटू 0.4, इसका मतलब बेटा F2s इक्वल टू हो गया 43 न्यूटन। बोल बेटा ये लिमिटिंग से कम आया कि नहीं आया, यस सर, ये भी कम आया ना बेटा, इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है सारे
एक्सेप्टेबल है बच्चा, है ना? तो कहेंगे रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आर एक्सेप्टेबल, है ना बेटा? सभी लिमिटिंग से कम आए तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया कि F1 जो होगा वो स्टैटिक होगा, वैल्यू होगा 47 न्यूटन। F2 जो होगा ये भी स्टैटिक होगा, वैल्यू होगा 43 न्यूटन, है ना बेटा? F3 जो होगा वो काइनेटिक होगा और वैल्यू होगा 35 न्यूटन। समझ गए बच्चा? लिख लो। सर वीडियो खराब हो रहा है क्या? थोड़ा सर, ठीक ठाक है सर। चलो पढ़ने के लायक है, देख लो जाएगा। सर इसके पहले वाली क्लास से लाख गुना अच्छा है। ये पहले में क्या हुआ था सर? सर बोर्ड देखी नहीं लगा सर। इंटरनेट का स्पीड से हम लोग डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट, है ना? सही है, सही है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मुझे आता होता है यार, तो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता। केमिस्ट्री पढ़ना कितना आसान होता है सर। आपको मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है फिजिक्स में? हाँ बेटा, हमको पैसे में इंटरेस्ट है। जिसमें अच्छा पैसा मिलेगा वो पढ़ा देंगे। चलो हो गया बच्चा? यस सर। कर दूं? एक मिनट सर। टीचर्स का मन ऐसा करता है कि आज नहीं पढ़ाए। टीचर का मन करता है कि आज नहीं पढ़ाए, मतलब बच्चों का मन करता है ना कि आज नहीं पढ़ते, तो टीचर्स का मन करता है? बिल्कुल मन करता है। जब जब दोपहर में सो जाते हैं, है ना, और कोई बोलता है कि चलो क्लास का टाइम हो गया, तो उसमें लगता है कि नहीं पढ़ाए यार, लगता थोड़ा देर और सो लें। लेकिन हम बेटा इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है ना, वही दिक्कत है, हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है बच्चे। यस करूं बेटा? यस सर, यस सर। चल देख बच्चा, देखो आलस तो मानवीय प्रवृत्ति है बेटा, ये तो मानना पड़ेगा, मानते हो ना? है काम चोरी इंसान का बेसिक नेचर है। दुनिया में हर इंसान को वो काम सबसे मुश्किल लगता है जो काम उसे खुद करना पड़ता है। बाकी दुनिया में सारे काम आसान लगते हैं, है ना? जब बचपन में आपको टीचिंग मुश्किल लगती है? हां बिल्कुल लगती है मुश्किल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में जब पढ़ते थे हमें भी पढ़ना मुश्किल लगता है सर। हां तो कोई बहुत अलग सी बात नहीं, बहुत कॉमन सी बात है सर। आप अभी भी पढ़ते हैं क्या? अब हां कभी कभी पढ़ते हैं बेटा, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कभी कभी, बिल्कुल टाइम मिलता है तो पढ़ते हैं। चल देख बच्चा आगे पढ़े। सर आप बचपन में कुछ बता रहे थे। हाँ बचपन, बहुत बचपन में जब बाबूजी बोलते थे कि पढ़ ले बेटा, तो लगता था कि पढ़ने से ज्यादा आसान तो है कि दो बीघा खेत जोत लें, है ना? यस सर। और बाबूजी बोल अगर अगर बोल दी चलो खेत में काम करना है, है ना, तो लगता था इससे बढ़िया पढ़ लिए होते। जो काम कर रहे होते वो मुश्किल लगता है, जो काम छोड़ दिए होते वो अच्छा लगता है। चलो छोड़ो, बात पढ़ाई की बात की जाए। चलो बेटा अब आया जाए कॉन्टेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखा जाए बच्चा। तो देख बेटा जो हमने यहां पे लिखा है बेटा कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना? कॉन्टेक्ट फोर्स एक्चुअली मतलब क्या इसका होता है? तो इसका मतलब होता है बेटा कि रिजल्टेंट ऑफ All the forces due to contact, है ना बेटा? जब दो सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं बेटा, तो उनके टच करने की वजह से, बोलो बोलो सर। कह रहे हैं कि सर जो आप अभी पढ़ा रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो आप होमवर्क दिए थे उसमें भी दो तीन सवाल इसी के हैं सर। दो तीन क्वेश्चन थे उसके, दो तीन से तो नो सर, इजी कर लेते हैं हम लोग। तो अगर पहले नहीं बना होगा तो बन जाएगा। चल तो बेटा देख,
कॉन्टेक्ट फोर्स हमारा क्या हुआ, कहेंगे कॉन्टेक्ट की वजह से जो जो भी फोर्स आते हैं बेटा उन फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो तुम बताओ कॉन्टेक्ट की वजह से क्या क्या आता है फोर्स? फ्रिक्शन, नॉर्मल नॉर्मल फ्रिक्शन। तो इसके डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि हमारा नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है, yes. है ना बच्चा? ठीक है, yes, लेकिन समझो बेटा इन एक्चुअली कॉन्टेक्ट फोर्स ही मेन फोर्स है, समझा? और उसके yes, दोनों कंपोनेंट हैं, समझे बच्चा? हम लोग पहले पढ़े नॉर्मल, फिर पढ़े फ्रिक्शन, और अब पढ़ रहे हैं बेटा कॉन्टेक्ट। लेकिन हम वाकई समझें कि नॉर्मल और फ्रिक्शन को मिला करके कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है बच्चा, कॉन्टेक्ट फोर्स इंडिपेंडेंट अकेला फोर्स है ना? और उसी फोर्स के दोनों कंपोनेंट है नॉर्मल और फ्रिक्शन, ठीक है ना बच्चा? तो देखो अब बात करूं बेटा मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या है बेटा? देख एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम कहेंगे लैम्डा, ये हमारा है बेटा एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना बेटा? कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच का जो एंगल है बेटा उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना? वो लैम्डा है लगता होगा। हाँ लैम्डा, उसका सिंबल दिया बेटा मैंने। बट सर फ्रिक्शन तो मतलब नॉर्मल फोर्स तो कॉन्टेक्ट फोर्स का ही भाग है। हाँ बिल्कुल सही बात, कॉन्टेक्ट फोर्स का हिस्सा है, है ना? कंपोनेंट है। जैसे कि कोई वेक्टर ड्रॉ करते हो एक्स वाई प्लेन में, उस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट होते हैं, वाई कंपोनेंट होते हैं ना बेटा। तो उस वेक्टर का जो एक्स से एंगल बना वो भी कोई एंगल है, उसी तरह से उस वेक्टर का अगर नॉर्मल से एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो देख बच्चा ये हमारा सरफेस मान लिया, इस पे कोई बॉडी मान लिया, और इमेजिन करो ऐसे हमने खींचा इसको, है ना बेटा? जब ऐसे इसको खींचोगे फिर तो पक्की बात है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा, है ना? अब yes, कहोगे बेटा सरफेस कॉन्टेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स तो लगना ही है इसके ऊपर, है ना बेटा? और फ्रिक्शन फोर्स भी लगना है बेटा इसके ऊपर, है ना? yes, sir. तो देखो नॉर्मल और फ्रिक्शन का यहाँ तुम ड्रॉ करोगे रिजल्टेंट, वेक्टर का रिजल्टेंट, है ना बेटा? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा वही हमारा क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स है, एफ सी, ठीक है बेटा? और ये जो हमारा एंगल है ना, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटा? तो देखो मेन फोर्स कौन है? कॉन्टेक्ट। मेन फोर्स है बेटा कॉन्टेक्ट, उसी के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, समझे बच्चा? चूंकि ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स है बेटा ये कोई फिक्स एंगल पे रहेगा नहीं, वो चूंकि एंगल बदलता रहेगा तो इसको अकेले एनालाइज करने में दिक्कत होगी ना बेटा हमको, है ना? yes, sir, yes, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन बोलते हो हमेशा सरफेस के पैरेलल, ऐसी बात कॉन्टेक्ट फोर्स में yes, नहीं है बच्चा, ठीक है? तो देख बेटा yes, अभी वाले कंडीशन में हम बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स एफ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ना बेटा? असल लोग जानते ही हो कि फ्रिक्शन फोर्स अगर जीरो हो गया तो ये नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, बोलो? yes, sir. Yes, sir. मतलब मोर देन और इक्वल टू एन, है ना बेटा? yes, है ना? लेकिन हम इक्वल टू फ्रिक्शन कभी नहीं हो सकता ये, बोलो क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो लगेगा ही, नॉर्मल तो लगेगा, जीरो होगा फ्रिक्शन नॉन जीरो हो ये नहीं हो सकता, लेकिन फ्रिक्शन जीरो हो नॉर्मल नॉन जीरो हो सकता है ना बेटा। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो देखो टेन लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, है ना बेटा? हाँ लैम्डा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, है ना बेटा? अगर मैं कहें, अगर कहें बेटा कि इफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक, है ना बेटा, बॉडी हमारा स्लाइड नहीं कर रहा, है ना, तो हम कह देंगे लैम्डा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एफ एस बाई एन, है ना बेटा? और एफ एस क्या होता है? लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना बेटा? इसका मतलब लैम्डा क्या बन जाएगा इस बार? लेस देन और इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू एस, बोल बच्चा? yes, sir. है ना? मतलब मान लो अगर म्यू एस की वैल्यू रूट थ्री है ना, इसके मतलब लैम्डा की वैल्यू
60 डिग्री या 60 डिग्री से कम होगी बेटा, है ना? कोई फिक्स वैल्यू हम पता नहीं कर सकते ना बेटा। अगर तुमको म्यू एस पता हो कि रूट थ्री है तो भी तुम फिक्स वैल्यू पता नहीं कर सकते, है ना? और इफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक, अगर काइनेटिक होगा बेटा तो बॉडी स्लाइड कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू एन, तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू के। ठीक है बेटा, मतलब बॉडी स्लाइड कर रहा है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल होगा बच्चा। ठीक है, यस सर, नोट कर ले। हाँ कर लो नोट सर। ये फ्रिक्शन इन काइनेटिक वाला सर फिर से थोड़ा बता दीजिए। फिर से बोलना सर, फ्रिक्शन इज काइनेटिक वाले में सर। हाँ, फ्रिक्शन अगर हमारा काइनेटिक होगा बच्चा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है ना, एफ इक्वल टू म्यू इनटू एन, म्यू के इनटू एन। यस सर, है ना बेटा? तो पुट कर दिया फ्रिक्शन की जगह पे म्यू के इनटू एन। सर जो सर इसमें सर वो कहते हैं सर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता था सर, जिस म्यू एस वाले में, स्टैटिक वाले में, सर इसमें नहीं होगा। लेस देन ना बेटा? यस सर, वही लेस देन। इस वाले में बोल रहे हो? यस सर। बेटा इसमें तो फ्रिक्शन अगर काइनेटिक होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स ना होती है बच्चा। एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू एन, जबकि स्टैटिक होता है तो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होता है ना। यस सर। सर वो जो पहला वाला डायग्राम है, मतलब जो डायग्राम है उसके राइट हैंड साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है? कोई अप्लाइड फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, खींचने वाला फोर्स कोई? सर एफ है वो। हाँ एफ कह सकते हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, लिख दे रहा हूँ चलो, ये कोई एफ एक्सटर्नल है। अभी कुछ क्लियर हुआ वीडियो? यस सर, क्लियर है। आपको कैसे पता चलता है वीडियो ब्लर है थोड़ी? मैं दो जगह लॉगिन करता हूँ, एक मोबाइल में और एक डेस्कटॉप में। मोबाइल से वीडियो कैप्चर होता है और डेस्कटॉप पे देखता रहता हूँ मैं कैसा आ रहा है वीडियो। सर आपका भी बहुत नेट लगता होगा। ये तो होता है बेटा, वो ना अनलिमिटेड होता है ना, तो दिक्कत नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर है तो। सर हो गया। सर अभी नहीं सर। सर एक मिनट सर। लिखो 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 लिखो। सर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट कैसे लाएं? अच्छा बेटा पिज़्ज़ा खाते हो? नो सर। नहीं खाते हो? सर पसंद है लेकिन पिज़्ज़ा खाते हो? अच्छा अच्छा, पहली बार पिज्जा कभी खाया? फर्स्ट टाइम खाए थे पिज्जा तो अच्छा लगा था? यस सर, पहली बार उतना अच्छा नहीं लगा था। पहली बार पिज्जा क्वाइट टेस्ट है। हाँ लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसमें कुछ कुछ मिक्स करते हैं, है ना? पिज्जा सादा खाओ बहुत बेकार लगता है बच्चा, बहुत बेकार लगता है। लेकिन हमको लेकिन हमको ऐसा लगता है, हम लोग पिज्जा खाते हैं तो थोड़ा स्टेटस वाली फीलिंग होती है। लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को पिज्जा के अकॉर्डिंग चेंज करने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, पिज्जा में कुछ मिलाते हैं, कभी मिर्च डाल देते हैं उसके अंदर, कभी ज्यादा चीज दे लेते हैं, सर कभी पिज्जा चेंज करते हैं, कभी मन चेंज कर लेते हैं, मन हाँ जो भी हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं ना हम लोग। बस वही समझो,
वही पढ़ाई का भी हाल चाल है बच्चा, जब पहली बार पढ़ते हो तो पहले बार जो पढ़े वो अच्छा लगा नहीं तो चेंज करो, बुक चेंज करो, मटेरियल चेंज करो, है ना, अच्छा लगेगा बिल्कुल। इतना अब तो इतना सारा ऑनलाइन में अवेलेबल है बेटा, किसी का वीडियो देख लिए, लगा इंटरेस्ट तो उसी को पढ़ लिए। सर जब आप छोटे थे आपको इंटरेस्ट था क्या पढ़ने में? बेटा देखो दुनिया में पढ़ने में बहुत कम लोग को मन लगा है, जैसे कि न्यूटन, आइंस्टीन, बोर, ये लोग को पढ़ने में मन लगा था, बाकी सब लोग बेटा पता नहीं लगा था कि नहीं लगा पढ़ते हैं, बाकी सब मजबूरी में पढ़ते हैं, अच्छे करियर के लिए पढ़ते हैं, तुम भी वैसे ही पढ़ो। सर आपने अब तक कितने क्वेश्चन करवाए हैं? सर थोड़ा नेट प्रॉब्लम की वजह से मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे। आज मैंने लगता है कि क्वेश्चन तो एक ही करवाया ना सर, दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन कराए। सर शुरुआत में कोई थ्योरी दी थी? नहीं नहीं थ्योरी कुछ खास नहीं था, थ्योरी था ही नहीं, उसे नहीं स्टार्ट काट किए थे। चलो बच्चा इस पे क्वेश्चन करके देखा जाए। देखते बच्चा क्वेश्चन ये है, एक रफ सरफेस जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस दिया है 0.5 और म्यू के बेटा 0.4, ठीक है। अब देख बेटा इसके ऊपर एक बॉडी रखी है, ये बॉडी का मास हमारा है बेटा 20 किलोग्राम और इस पे ऐसे हम फोर्स लगा है बेटा 50 न्यूटन का, और 50 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे है। तो क्वेश्चन पूछता है बेटा फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कॉन्टेक्ट फोर्स निकालो और एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालो, बनाओ बच्चा। अरे बेटा किसी का आंसर? सर एक मिनट सर थोड़ा। यस सर सर आंसर नहीं भेज पा रहे। सर नहीं भेज पा रहे हो? तुम किस पे भेज रहे हो? रेजो जूम भेजो, रेजो जूम वाले भेजो। अभी नहीं आ रहा है। हाँ आया तो आंसर, अच्छा आंसर आया आंसर। सर मेरा नहीं आ रहा। रेजो जूम आईडी भेजो ना बेटा उसी पे। चलो मैंने एवरीवन कर दिया, एवरीवन कर दिया, अब तो जाए किसी को जाएगा। रेजो जूम वाले भेजो या पब्लिकली पोस्ट करो, सब देखेंगे कोई बात नहीं। जल्दी बच्चा सबसे पहले तो अप्लाइड फोर्स के कंपोनेंट करेंगे बेटा हम लोग। अप्लाइड फोर्स के कंपोनेंट क्या क्या आएंगे?
एक तो ऐसे आएगा बेटा 40 न्यूटन, है ना? 40 न्यूटन सर हो गया। और ऐसे आएगा बेटा 30 न्यूटन। ये हो गया बेटा नॉर्मल और ये हो गया एमजी, है ना? तो देखते बेटा सबसे पहले काम किया जाए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला जाए, उसके लिए पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल हो जाएगा बेटा 20g 170। बिल्कुल सही कहा, 170 न्यूटन। और लिमिटिंग कितना हो गया बेटा हमारा 85 न्यूटन। आगे खींचने वाला फोर्स तो कम है बेटा, अब लाइट फोर्स हमारा है ये 40 न्यूटन, वो तो लिमिटिंग से कम है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा और अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा, है ना बेटा? इसी कंडीशन में अब मैं कहूँ बेटा कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगा बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ, तो 10 बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 प्लस 16, ये 205, है ना बेटा? ठीक है। और अगर कहें लैम्डा, तो 10 लैम्डा इक्वल टू एफ बाय एन, दैट इज इक्वल टू 4 बाय 17। तो लैम्डा इज 10 इनवर्स ऑफ 4 बाय 17। ठीक है बच्चा? यस सर। अब एक क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, इसकी जगह पे एक और क्वेश्चन आया। देखो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन 37 डिग्री, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। ये ब्लॉक हमारा बेटा, ये ब्लॉक हमारा 10 केजी मास का, और इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ये लाइन और ये लाइन बेटा पैरेलल है, और ये भी हमारा है बेटा 50 न्यूटन। ठीक है, करो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है बेटा।
चांस का आंसर आया। अनुपम का भी आंसर आया। सर मैसेज नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। जा रहा है सर। नॉट इन मीटिंग जा रहा है बेटा। सर ओपी सिंह में भेजने पे जा रहा है। और इस पे रिज्यूम वाले पे नहीं जा रहा है। जा रहा है। नॉट इन मीटिंग दिखा रहा है। मैं तो एवरीवन कर दिया पब्लिकली। सर जा रहा है। जा रहा होगा। जा रहा है। आदर्श अनुज अनुपम संस्कार इतने लोग आ गए आंसर। सर ओपी पे जा रहा है रेजो उस पे नहीं जा रहा सर। कोई बात जा तो है सर जा रहा है। पीसी भेज दे मैं दोनों देख रहा हूँ। कोई पीसी भेज दे तू कोई दिक्कत नहीं। यस सर आपके वो ओपी सिंह वाले पे भेज दिया। ओपी सिंह वाले ने सर भेज दिया। आयुष ओझा का आया है इस पे। आयुष अग्रहारी का आया है। विशांत का आया है आंसर। देखो बच्चा मैं करता हूं अब देखो एमबीडी बनाए जल्द से पहले तो बेटा फोर्सेस को देखा जाए तो देख बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है तो ऐसे कंपोनेंट आएगा बेटा इसका टेन जी कॉस नहीं साइन आता है ना ऐसे ए साइन ये हो जाएगा बेटा 60 न्यूटन है ना और ऐसे हो जाएगा बेटा 10 जी कॉस 37 ये हो जाएगा बेटा 80 न्यूटन है ना। यहां से इसका कंपोनेंट करें तो ऐसे हो जाएगा बेटा कंपोनेंट 40 न्यूटन 50 कॉस 37 ये हो जाएगा 40 न्यूटन 30 और ये हो जाएगा 30 न्यूटन और ये हो गया बेटा नॉर्मल है ना। अब देखते बच्चा ऊपर धकेलने वाला फोर्स 40 नीचे खींचने वाला फोर्स 60 है ना बच्चा। इसका मतलब ये बॉडी जाना चाहता है नीचे की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा ना बेटा बोलो है कि नहीं। 60 बड़ा फोर्स ना बेटा 40 से यस सर है ना 60 हमारा यस सर प्रॉब्लम हो गया फिर से ना। चलो काम चल सकता है चलाओ। देखो बच्चा तो नॉर्मल हमारा कितना हो गया थोड़ा बड़ा लिखता हूँ साफ दिखे साफ साफ कितना होगा ना बताओ हमारा ये हो गया 80 और ये हो गया 30 110 110 110 न्यूटन है ना बेटा
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा कितना होना चाहिए? 55. 0.5 × 110. बिल्कुल सही कहा, 55 न्यूटन, है ना बेटा? और देखो खींचने वाला फोर्स हमारा कितना है, 60 − 40, है ना बेटा? इसका मतलब क्लियर हो गया कि बॉडी स्लाइड नहीं करेगा बेटा, और बॉडी स्लाइड नहीं करेगा इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा हमारा ये स्टैटिक होगा और ये अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा. बोलो बच्चा, ठीक है ना? तो फिर इस केस में कॉन्टेक्ट फोर्स हमारा कितना हो गया बेटा, स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर, है ना? तो 10 तो बाहर निकल गया, 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 69. 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
हो गया एन हंड्रेड टेन तो टू बाई इलेवन सो लैम्डा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू बाई इलेवन. ठीक है बच्चा. यस लिख लो. आपके हिसाब से स्कूल कब खुलेंगे? कहना मुश्किल है, बहुत कहना मुश्किल है. अभी तो केसेस बढ़ ही रहे हैं यार. सर कोरोना से तो वही मर रहे हैं, इनकी इम्यूनिटी कमजोर. सर रिकवरी रेट अब पता 75% रिकवरी रेट है. ये सर रिकवरी रेट 75% है, फिर भी 25% रिस्क है ना बच्चा. जिस किसी को पहले से कोई डिजीज है उसके लिए तो खतरनाक हो रहा है ना. तो उसको भारी मत निकालो घर में बेटा. मान लो अपनी बात करूं मैं तो एक्सरसाइज वगैरह करता हूं, कोई बीमारी मेरे को नहीं है अभी. चलो मैं तो बच जाऊंगा है ना. लेकिन मेरे घर मेरे पेरेंट्स रहते हैं, अगर वो जाएंगे इन्फेक्ट, वो जाएंगे इन्फेक्ट तो बच नहीं पाएंगे. यस तो यही बेटा सबके लिए ना. अरे एक सर्वे में पता चला जितने जितने कोरोना से मरते उससे ज्यादा तो रोड एक्सीडेंट में मरते थे. हाँ बेटा, लेकिन रोड एक्सीडेंट का केस अलग ना है बेटा. रोड एक्सीडेंट के मतलब मतलब बताओ, अगर मान लो किसी एक को एक्सीडेंट हो गया है ना, तो चार पांच और थोड़ी मरेंगे. लेकिन इसमें क्या है, एक को हुआ तो चार चार मरेंगे. अंतर ना है बच्चा, बहुत बड़ा अंतर है. चल देख बच्चा आगे देखा जाए. सारे ओलंपियाड खराब हो गए इस साल. अभी इस साल जो है ना बेटा, ये साल जान बचाने का साल है कहो तो, है ना. किसी भी चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ है, किसी भी चीज से इम्पोर्टेंट. तो करियर बोले कुछ भी बोले, जान है तो जान. जो आज फेल्योर है कल वो सक्सेसफुल होगा बेटा, है ना. हमसे तुमसे तो बेटा बहुत ज्यादा परेशानी तो उन लोगों को है बेटा, जो रोज कमाने वाले हैं मजदूर लोग. उनको जॉब नहीं मिल रही यार. मान लो किसी आदमी घर में काम होता है, मान लो किसी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, लेकिन अभी वो काम रोके हुए हैं. ऐसा हो रहा है बहुत जगह पे, बहुत लोगों की जॉब जा रही है. वो हमसे ज्यादा खतरनाक कोई तो वो लोग हैं बेटा. यस सर. नहीं सर, वीडियो बहुत खराब है बेटा. सर वीडियो ब्लर आ रही है थोड़ी सी. सर एंगल ऑफ वीडियो ब्लर आ रही है अभी. सर एंगल ऑफ रिपोज थोड़ा बड़ा लिखता हूँ. एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है बेटा. अब एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है देखो. जैसे कि इमेजिन करो बेटा कि तुम एक बेड पे सो रहे हो है ना, और तुम्हारे दो तीन दोस्त आए और बेड को उठा दें,
ठीक है, जब बेड को उठाएंगे बेटा तो थोड़ा सा एंगल जब उठाएंगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो एंगल बढ़ाते जाएंगे एक ऐसा एंगल आएगा कि तुम बेड पर से फिसल के गिर जाओगे। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। ठीक ना? जिस एंगल पे तुम फिसलना शुरू किए दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज। ठीक है बेटा, है ना? इमेजिन करो कि अगर कहें बेटा ऐसा है कि इंक्लाइन सरफेस है, लेकिन सरफेस ऐसा है बेटा जिसका हम इंक्लाइनेशन चेंज कर सकते हैं, है ना? ये तो फिक्स सरफेस हो गया और इसका हम एंगल चेंज कर सकते हैं, है ना बेटा? तो हमने इसके ऊपर एक बॉडी को रखा, एक बॉडी को रखा और धीरे धीरे एंगल को बढ़ाया, धीरे धीरे एंगल को बढ़ाया बेटा, है ना? जिस समय ये एंगल, जिस समय एंगल एंगल ऑफ रिपोज हो गया होगा बेटा, इसका मतलब बॉडी स्लाइड करने वाला होगा। ठीक है बच्चा। और बॉडी स्लाइड करने वाला होगा इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा बेटा यहाँ से वो कैसा होगा बोलो? स्टैटिक होगा बेटा, लिमिटिंग हो जाएगा ना बोलो? लिमिटिंग। अगर स्लाइड करने वाला है तो हो जाएगा ये लिमिटिंग। और इसको mg का कंपोनेंट नीचे कितने फोर्स से खींचेगा? mg sin phi, है ना बेटा? तो लिख देंगे हम लोग, अभी ये स्लाइड करने वाला है तो mg sin phi इज इक्वल टू लिमिटिंग। और लिमिटिंग कितना बेटा? म्यू बेस इनटू n, है ना बेटा? और जो नॉर्मल यहाँ से होगा ये mg cos phi के बराबर होगा। है ना? तो अभी वाले सिनारियों में क्या आ गया बेटा हम लोग का? ये आ गया म्यू बेस इनटू mg इनटू cos phi, है ना बच्चा? mg देखो कट गया हमारा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? म्यू बेस इज इक्वल टू tan phi, इसका मतलब phi इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू बेस। देखा तुम्हें ना बेटा, ये एक फिक्स वैल्यू है ना? Yes, ये एक फिक्स वैल्यू है बेटा, जबकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था? वैल्यू फिक्स्ड नहीं था बेटा, है ना? जैसे मान लो म्यू बेस इक्वल टू रूट थ्री हो तो एंगल 60 डिग्री फिक्स हो गया, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज में क्या था? लेस देन इक्वल टू, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या था? लेस देन इक्वल टू ना बच्चा। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है बेटा, इट इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड, पुराने जमाने का मेथड टू मेजर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना बेटा? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन नापने का एक तरीका था पहले, जैसे एक बॉडी को एक सरफेस पर रख दिए, है ना, धीरे धीरे एंगल को बढ़ाए, ठीक है बेटा, और देखा बॉडी स्लाइड करने वाला है और एंगल नाप लिया, एंगल आया मान लो 45 डिग्री, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1 है, है ना? लिख लो सर, कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो उससे क्या समझ में आता है? कुछ नहीं, इसका मतलब है फिर उनका एंगेजमेंट जो रफनेस है उसके बीच में रुखड़ापन है, उनका एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, है ना? फ्रिक्शन की वैल्यू, मीटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल से बड़ी है सर, मतलब कि बॉडी को उठाने में ज्यादा ताकत लगाएगी कि उसको उठाने में? फिर से बोलना सर, बॉडी को उठाने में ज्यादा ताकत लग जाएगी? हाँ, बॉडी खिसकाने में ज्यादा ताकत लगेगी इन कंपैरिजन टू उठाने में, सही बात, अगर म्यू की वैल्यू 1 से बढ़ी हुई तो। सर आपने अपने चैनल पे वो मोटिवेशनल वीडियो भी डाली है, देखा तुमने? दो वीडियोस में होगा, एक पहले का होगा, एक नया होगा, अभी हाल ही बनाया है। अभी रेस कर दूं बेटा इसको? सर एक मिनट, सर वो विन लूज और फेल वाली नहीं, वो तो पहली वीडियो थी, दूसरी डाली है मैंने, तीन चार दिन पहले डाली है मैंने, देखना एक सर हमारा भी इधर का भी मोटिवेशन कर दिए, तो कॉमन सबके लिए है ना बेटा वो तो वीडियो का पर्पस क्या है? सबके लिए है, रिकॉर्ड किया हुआ ना वो तो, है किसी में लिया नहीं स्पेशल, तो
जैसे बच्चे लिखते रहते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे कमेंट लिखते हैं, डाउन हो रहा है मोटिवेशन, कैसे करें, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगा चलो ट्राई करते हैं, शायद कि बच्चा कुछ मोटिवेट हो जाए एक काम देख करके, तरीका काम करने का तरीका सीख करके। एक बच्चे को फायदा हुआ तो वन वीक अगो गए। बोलो सर, सर रात को देर तक पढ़ना ज्यादा अच्छा या सुबह? देखते बेटा, ये इसका जवाब तुम्हारे पास इसका बेस्ट जवाब है, तुम्हारा बॉडी किससे ज्यादा यूज्ड टू है ना। लेकिन जनरल बात कहोगे, जनरल बात कहोगे तो बेटा मॉर्निंग में ज्यादा अच्छा है पढ़ना। अगर जनरल बात कहो तो शायद तुम फील करते हो कि मॉर्निंग में दिमाग ज्यादा फास्ट काम करता है, एफिशिएंसी बेटर होती है काम करने की। सर मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाते। ये सर नींद आती है। सर दोनों अच्छा रहता है सर, सर मतलब सर दोनों अच्छा रहता है, मतलब रात में जैसे सर 1-2 बजे तक, और सर सुबह आराम से 6 बजे उठ जाए तब भी सर आराम से वो सुबह का टाइम रात का टाइम दोनों मिल जाता है। बढ़िया, 1 बजे सोकर के 6 बजे उठ जाते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो बढ़िया बेटा तेरा। तो दिक्कत तो उनको है ना बेटा, तो रात के 2 बजे सोते हैं और उठते हैं 10 बजे दिन में, उनकी दिक्कत है। सर मेरा 3-8 चलता है। सर मैं भी 5 बजे उठ जाता हूँ लेकिन फिर सो जाता हूँ, उठ तो मैं भी जाता हूँ। बाथरूम करने के लिए उठते हो, उसको भी काउंट कर रहे हो तुम? नहीं चलो, उसको उसको उठना नहीं बोलते हैं, उसको अच्छा सोने की तैयारी बोलते हैं। आगे नींद ना खुले, चल आगे पढ़े बेटा। सर होमवर्क डिस्कस करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अभी चैप्टर खत्म ही कर लिया जाए। देख बच्चा अब थोड़ी बात करें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। हाँ खत्म हो जाएगा, बस लास्ट टॉपिक है ये। छोटा ही है बेटा, बहुत छोटा चैप्टर है ये। चल देख बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो देख बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में सबसे पहली बात, इट रिप्रेजेंट एंगेजमेंट, इट रिप्रेजेंट, पढ़ पा रहे हो ना? Yes, पूरा साथ। जी सर। इट रिप्रेजेंट एंगेजमेंट ऑफ अनइवननेस ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, है ना बेटा, फॉर देयर ट्रफ्स एंड क्रेस्ट, है ना बेटा। कोई भी सरफेस देखते हो बच्चा तुम, है ना, तो हमें लगता है कोई भी सरफेस देखने में कि वो सरफेस हमारा ऐसा है बेटा, बोलो, है ना, ये बॉडी रखा तो डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, है ना बेटा। लेकिन वाकई में अगर गौर से देखा जाए इसको बेटा, कोई लेंस वगैरह से देखोगे तो ये दोनों सरफेस फ्लैट नहीं होता है, सरफेस हमेशा क्या होता है बेटा, ऐसा होता है, अनइवन, है ना, सरफेस अनइवन होता है। जब ब्लॉक इसके ऊपर रखते हैं बेटा हम लोग, तो कहीं कहीं ये आकर के यहाँ फंसता है और कहीं कहीं टच करता है, कहीं टच नहीं करता, बोलो बेटा। yes. है ना, तो देखो बेटा, ये जो टच किया, yes. ये जो यहाँ टच किया, ये जो यहाँ टच किया, वो क्या हुआ, एक दूसरे में लॉक हो गया। yes, ना बेटा, और यही लॉकिंग रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना बेटा। अगर लॉकिंग ज्यादा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा बच्चा, और अगर इंटरलॉकिंग कम है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है बेटा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कि एक दूसरे का जो रुखड़ापन है बच्चा, अनइवननेस है, रफनेस, रुखड़ापन, है ना। जैसे अपने फिंगर्स को ऐसे करके देखो बेटा और फिर दीवार को ऐसे टच करके देखो, तुम महसूस करते हो ना दोनों में रुखड़ापन, अलग फीलिंग होती है बेटा। जो जिसमें ज्यादा खुरदरापन फील हो रहा है, इसका मतलब वहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है बच्चा, ठीक है। अनइवननेस ऑफ टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट फॉर देयर ट्रफ्स एंड क्रेस्ट, ट्रफ्स क्या हो गया ऊंचा वाला पॉइंट और क्रेस्ट क्या हो गया नीचे वाला पॉइंट, तो उनका ट्रफ और क्रेस्ट जब फंसेगा बेटा, तो उस फंसने को ही समझो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वेव में इसका उल्टा होता है ना, इसका क्रेस्ट ऊपर वाला होता है। हाँ क्रेस्ट, हाँ सॉरी क्रेस्ट ऊपर होता है बेटा, क्रेस्ट मतलब पीक,
और ट्रफ मारा हो गया गड्ढा। देख बच्चा दूसरा पॉइंट। हाँ बच्चा बोल सर। स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ वो सर स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग कैसे है मतलब बताने वाले हैं, वेट करो। देखो बच्चा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना बेटा। टोटल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी डिपेंड नहीं करता है ना, बट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना बेटा। एक्चुअल एरिया पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि यहां तुम देख रहे होगे, अगर कहें बेटा टोटल एरिया, तो टोटल एरिया ये ना हो गया बेटा बोल। यस सर, है ना, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता, है ना। लेकिन एक्चुअल कॉन्टेक्ट क्या है, देखो ये वाला कॉन्टेक्ट, ये वाला कॉन्टेक्ट, ये वाला कॉन्टेक्ट, है ना बेटा। एक्चुअल कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है लेकिन टोटल पे डिपेंड नहीं करता है ना बच्चा। लेकिन फैक्ट तो ये है बच्चा कि ये वाला चीज तो हम मेजर नहीं कर सकते ना बेटा, ये नापने के लायक नहीं है ना। तो अगर कोई पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो उसका मोटिव तुम्हारा ये है पूछना, ये नहीं पूछ रहा तुमसे, है ना बच्चा। ठीक है, अब चलो तीसरा पॉइंट सुनना बेटा गौर से। सर ऐसे तो हर पॉइंट पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज करेगा, हर पॉइंट पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज करेगा। तुम एक पॉइंट की बात करो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम दो सरफेस की बात करते हैं, है ना, ये सरफेस और ये सरफेस, जितना फंसा इतना एंगेज हुआ, है ना। तो हम कहेंगे इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा या कम है, मतलब एक खास पॉइंट के लिए एरिया के लिए चेंज होता है। हाँ बेटा, ये पूरे एरिया के लिए होता है एवरेज। अब देखना बेटा, बोल बेटा, एक्चुअल मतलब बताया था ना, जहां जहां उसके पीक वगैरह फंस रहे हैं। ठीक ठीक है नहीं सर, पूछ रहा था उसके बाद ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, वो लिखा जो है यहाँ पे, बस एक्चुअल एरिया लिख दे रहे हैं। चलो एक्चुअल एरिया ऑफ, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देख बेटा, इमेजिन कर कि मान ले कोई घर में कर के किसी कोने में कोई बेटा लोहे की आलमारी पर ही हो काफी दिनों से, है ना। अब उस जब आलमारी को वहां से हटाते हो बेटा, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि फर्श पे एक धब्बा सा पड़ गया, एक दाग पड़ गया, निशान पड़ गया एक, yes, sir. Yes, sir. है ना बच्चा। ये एक केस हुआ। अब इमेजिन करो उसी आलमारी को बेटा अब हम हर दिन जगह चेंज करते रहे, है ना, तो वो निशान नहीं पड़ेगा ना बच्चा, बोलो। No, sir. Yes, sir. या फिर पड़ेगा भी तो बहुत हल्का पड़ेगा, है ना। Yes, तो एक बच्चा जो निशान है, जो निशान वहां दिख रहा तुमको, एक्चुअली वो क्या है, एक सरफेस के द्वारा दूसरे सरफेस पे किया गया डिफॉर्मेशन है बच्चा, वो बोलो। Yes, sir. ना yes, sir. तो देख बेटा, इमेजिन कर कि अगर मैं मांग कहूं, यूं समझो कि एक रफ सरफेस है, यूं समझो एक रफ सरफेस है बेटा, इसके ऊपर एक बॉडी को अगर ऐसे रखेंगे हम, है ना, तो देखो बेटा, अगर ऐसे रखोगे और काफी देर तक इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, वेट की वजह से इसमें पेनिट्रेट करता जाएगा बेटा, बोलो। यस सर, वजन की वजह से पेनिट्रेट करता जाएगा और इसकी पैकिंग और ज्यादा बढ़िया होगी, है ना। लेकिन मान लो अगर मैं कहूं कि इस रफ सरफेस पे ये दूसरा एक रफ सरफेस ऐसे मूव करता हुआ आए और इसके ऊपर से निकल जाए, तो क्या कहोगे, एंगेजमेंट काफी कम होगा ना बच्चा। Yes, yes, इसका मतलब एक सरफेस पे दूसरा सरफेस अगर रख के छोड़ दें और सफिशियंट टाइम देंगे, तो एक दूसरे को डिफॉर्म करेगा और एक दूसरे में धस जाएगा बेटा, एक दूसरे को डिफॉर्म करके उनकी इंटरलॉकिंग की संख्या बढ़ जाएगी, yes, है ना। इसलिए हम बोलते हैं बेटा कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, मतलब दो सरफेस एक दूसरे पे रेस्ट में होता है, तो उसको सफिशियंट समय मिलता है कि वो ज्यादा डिफॉर्म कर सके। ज्यादा डिफॉर्म करता है तो ज्यादा अच्छी पैकिंग होती है, और ज्यादा अच्छी पैकिंग से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ठीक है बच्चा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा उससे ज्यादा रहेगा काइनेटिक से। बिल्कुल सही बात। देखो तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिख रहा हूं मैं, तो बेटा इफ सरफेसेस डू नॉट हैव
डू नॉट हैव रिलेटिव मोशन, है ना बेटा? अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो, है ना, देन दे गेट, दे गेट इनफ टाइम, इनफ टाइम टू डिफॉर्म ईच अदर एंड हेंस इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग इज मोर इन कंपेरिजन टू, इन कंपेरिजन टू स्लाइडिंग सिचुएशन, है ना बेटा? स्लाइडिंग सिचुएशन के मुकाबले में, के मुकाबले में पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है ना? इसलिए क्या होता है, म्यू वेस की वैल्यू म्यू के से बड़ी होती है ना बेटा? लेकिन अगर मैं कहूं कि मान लो सरफेसेस हमारे कुछ इस तरह के हो जो डिफॉर्मिंग ना हो सके, वो आइडियली रिजिड सरफेस हो बच्चा, है ना? तो अगर आइडियली रिजिड होंगे तो डिफॉर्म नहीं होंगे, और डिफॉर्म नहीं होंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा फिर, है ना? तो म्यू वेस इक्वल टू म्यू के, ये प्योर थ्योरेटिकल है बेटा, प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना? प्रैक्टिकली हमेशा म्यू वेस म्यू के से बड़ी होती है बेटा, ठीक है? लिख लो इसको, सर ऐसा हो सकता है कि वो टोटली डिफॉर्म हो जाए, मतलब इतना पैक हो जाए कि मूवी नहीं करा सको? यस सर, एकदम हो सकता है सर, उसके लिए गीली मिट्टी, जैसे कि मान लो गीली मिट्टी है बेटा, क्या होगा, ऐसा चिपकता है बेटा कि एक दूसरे में पूरा मिल जाता है, लगता ही नहीं कि वो अलग भी था, सर। सरफेस पे पानी डालने से कम चिकना मतलब होता है, और साबुन वाला पानी डाल दो तो ज्यादा चिकना हो जाता है, तो गैप्स भर जाते हैं ना, लिक्विड डालोगे अगर तो गैप्स भर जाएंगे ना बच्चा। नो सर, साबुन वाला डालते तो ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? यस सर, क्योंकि बेटा उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है बच्चा, साबुन वाले केस में सरफेस टेंशन कंपैरेटिवली कम हो जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा गैप्स को फिल करता है। सर, सरफेस टेंशन एक सिलेंडर में ज्यादा होती है, एक स्फीयर में? स्फीयर में, लिख लिया बच्चा? यस सर। देख बेटा अगला पॉइंट, सर सरफेस टेंशन लिक्विड्स का डिफाइन होता है, लिक्विड के लिए भी होता है बेटा और सॉलिड के लिए भी होता है, लेकिन लिक्विड का हम ज्यादा फील करते हैं, सॉलिड का भी एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि मान लो जो गुंबद बनाते थे ना पहले बेटा पुराने जमाने में, यस सर, पुराने जमाने में जो गुंबद बनाया करते थे, है ना, उसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट था कि बिना पिलर के सपोर्ट के भी वो ठहर जाता था, है ना? उसका भी कुछ ना कुछ कारण सरफेस टेंशन ही है बच्चा। चलो अगला पॉइंट देखो, इसमें कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हैज थ्योरेटिकली नो लिमिट फॉर इट्स वैल्यूज, है ना बेटा? थ्योरेटिकली इस पे कोई लिमिट नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वन से बड़ा भी हो सकता है, वन से छोटा भी हो सकता है, है ना बेटा? बस नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है बच्चा? अगला पॉइंट देख बेटा, एक्सेसिव स्मूथनिंग, इसका मतलब बताओ, एक्सेसिव स्मूथनिंग का मतलब कितने है, म्यू बहुत छोटा है, गिस करके ना ऐसे ऐसे ना हो,
तो अगर तुम बहुत ज्यादा घिस दो बेटा दो सरफेसेस को आपस में, ठीक है, तो क्या होगा, मे इंक्रीज। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फिर बढ़ना शुरू हो जाए। दो सरफेस को अगर तुम घिसोगे बेटा तो पहले तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन घटेगा बेटा, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में वो बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है बच्चा, क्योंकि बेटा सरफेस घिसेंगे, है ना, ठीक है। अगर उन दोनों का सरफेस एक दूसरे के जैसा बनना शुरू हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा लॉकिंग ना होगा बेटा, देख, है ना। इसे मान लो अगर मैं कहूं एक सरफेस ऐसा है बेटा और एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, दूसरा केस में एक सरफेस ऐसा ऐसा है बेटा और दूसरा सरफेस भी ऐसा ऐसा है, तब क्या कहोगे, इसमें ज्यादा लॉकिंग ना होगा बच्चा? यस सर। रियल लाइफ में फ्रिक्शनलेस सरफेस पॉसिबल? फ्रिक्शनलेस तो पॉसिबल नहीं है, है ना, लो फ्रिक्शन भले ही पॉसिबल है। चलो डिस्कस करें बेटा, होमवर्क क्या दिए थे बताओ? एनएलएम की लास्ट एक्सरसाइज थ्री। निकला जाए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की सीट। एक्सरसाइज थ्री। अभी करते हैं, चलो निकालो एक्सरसाइज टू पार्ट थ्री निकालो। सर सेकंड क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो कैसे है, समझा दीजिए। बताते हैं बच्चा, देखो बेटा एक्सरसाइज टू पार्ट थ्री क्वेश्चन नंबर वन, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है बेटा कि ए पार्टिकल इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एट टी इक्वल टू जीरो, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट ऑन इट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू एफ इक्वल टू अल्फा टी। एक बच्चा फोर्स जो हमारा है ये अल्फा टी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा बोलो, अल्फा बाई एम इंटू टी, है ना, और एक्सेलरेशन बेटा हमारा क्या होता है डीवी अपॉन डीटी, तो क्या हो जाएगा बेटा डीवी इक्वल टू अल्फा बाई एम टी डीटी, है ना बेटा। इंटीग्रेट करेंगे जीरो से वी और जीरो से टी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ये अल्फा बाई टू एम टी स्क्वायर ना, तो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया बेटा बोलो, ठीक है। और यहाँ देखो एक्सीलरेशन क्या है बेटा प्रोपोर्शनल टू टाइम है, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, इसको यहाँ पुट कर लोगे तो वी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर भी हो गया ना बेटा बोल। तो ये वाला ग्राफ बनेगा पैराबोला, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन और ये भी बनेगा पैराबोला, ठीक है बच्चा। सर सी वाला भी बता तो दिया बेटा, सी वाला थर्ड वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन वाला, थर्ड वाले में दोनों थर्ड। देख बच्चा क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा कहता है ए लाइट स्ट्रिंग इज रैप्ड राउंड अ सिलिंड्रिकल लॉग ऑफ वुड व्हिच इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड इज पुल्ड विथ अ कांस्टेंट फोर्स एफ एज शोन इन द फिगर। देखना बच्चा जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो बेटा उस वाले पॉइंट पे एक ऐसे टेंशन है और ऐसे टेंशन है बेटा, है ना, और दोनों तरफ एंगल हमारा बराबर है ना, ठीक है बच्चा। तो टी इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, cos थीटा हो जाएगा, टू टी cos थीटा ना बेटा, टू टी cos थीटा, ठीक। तो क्या कहेंगे बेटा cos f by t इज इक्वल टू टू cos थीटा बोल बच्चा, है ना। अब बताओ तो इसी अगर हम एंगल को बढ़ाएंगे बेटा तो cos थीटा बढ़ेगा ना घटेगा, cos थीटा घटेगा बेटा cos थीटा टेंशन, तो टेंशन बढ़ेगा ना बेटा बोल, क्योंकि f तो कांस्टेंट है, f तो कांस्टेंट है बच्चा। अब देखो अब कहता है कि एंगल अगर पाई बाई थ्री से बड़ा हो, देखो बेटा एंगल अगर पाई बाई थ्री से बड़ा हो
इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू हाफ छोटी होगी बेटा, इसका मतलब 2 cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और 2 cos कितना था बेटा हमारा ये f by t less than 1, इसका मतलब f less than t, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। बोलो बच्चा बात समझ गया ना? सर ये एक और बार समझा दीजिए। देख बच्चा इस वाले पॉइंट पे तो कोई मास नहीं है ना बेटा, ये पॉइंट है ना मासलेस। यस मासलेस पॉइंट पे रिजल्टेंट 40, f इक्वल टू t cos थीटा, फोर्स का वैल्यू जो है बेटा वो कांस्टेंट है ना, तो अगर cos थीटा घटेगा तो टेंशन बढ़ेगा। बात समझ गए है ना? फिर मैंने कहा f by t equal to cos theta, फिर मैंने कहा एंगल अगर pi by 3 से बड़ा है तो cos theta half से कम, तो 2 cos theta 1 से कम, तो f by t 1 से कम। आगे बोलो 5 नंबर तक। सर सर बोलो। सर इसमें आपने बोला है करेगा तो टेंशन इंक्रीज करेगा, लेकिन आंसर में ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब टेंशन इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा। तो बात तो एक ही ना है भाई, फिगर नेग्लेक्ट मासेज ऑफ द पुली एंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। नहीं बेटा मत पूछो, सिंपल सवाल है ये, एक तरफ ए एक तरफ 2a होगा। yes, आगे चलो 9 नंबर तक। 11 10th सेवन देखो पहले सर 8 7 कहता है बेटा पार्टिकल इज स्टेज एट रेस्ट एज सीन फ्रॉम ए फ्रेम। देखो बच्चा 7 में एक कोई पार्टिकल मान लो m मास का, ये मान ले बेटा ऑब्जर्वर, कहता ये ऑब्जर्वर ने इसको देखा तो कहा कि रेस्ट में, इसका मतलब ये है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, बोलो बेटा, और दोनों की एक्सीलरेशन भी सेम है, बोल बेटा, है ना? तभी ने बोलेगा रेस्ट में। और कहता है बेटा वी कैन कंक्लूड दैट द फ्रेम इज इनर्शियल, नहीं बोल सकते बच्चा ऐसा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, नहीं बोल सकते। इफ द फ्रेम इज इनर्शियल, अगर ये फ्रेम इनर्शियल है बच्चा तो ए 0 हो जाएगा ना, और ए जीरो हो जाएगा तो फिर इसका भी ए 0 हो जाएगा, और इसका ए 0 हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स 0 बोल सकते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है बच्चा। और अगर फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा तो देयर इज नॉन जीरो, सही बात बोल रहा बेटा, अगर फ्रेम नॉन इनर्शियल हुआ तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो, तो ए नॉन जीरो तो रिजल्टेंट फोर्स भी नॉन जीरो, तो इसका आंसर होगा सी एंड डी। ठीक है सर, अब देखो बेटा 8 नंबर बोलो वाला पार्ट ए बी सी तीनों सही ना, सिक्स वाला पार्ट ए और बी समझ में नहीं आया। देखो ए बी सी तीनों सही है ना? देख बच्चा कैसा हमारा वेज है, वेज सी है, इसके ऊपर एक ब्लॉक बी है, इसके ऊपर ब्लॉक ए है, ये हमारा ग्राउंड है। पहला कहता है एक्सीलरेशन ऑफ ए, ऑप्शन समझा दीजिए, बताते हैं, रुक जा वेट तो कर। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। देख तो बच्चा ए का अगर हम एबीडी बनाए तो ए पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, मान लो हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, एक तो एम जी होगा बेटा और एक नॉर्मल होगा, एक नॉर्मल और एक एम जी बेटा, तो एक नॉर्मल और एक एम जी है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे दो ही फोर्स है और तो कोई फोर्स है नहीं, है ना बेटा? यस सर। छोड़ेंगे तो क्या, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, दो ही बातें हो सकती है, और तुम खुद बताओ कि अगर यहाँ छोड़ोगे तो इसके ऊपर जाने की संभावना है या नीचे आने की है? नीचे। बोलो बेटा, नीचे ही ना आएगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यस सर। बी कहता है एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखते हैं बेटा बी वाले पे देखते बेटा, बी का हमारा जो फोर्स है एक्शन का रिएक्शन ऐसे एन लगेगा, यहां से फोर्स लगेगा एन वन एन डैश,
और इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स mg, बोल बेटा yes, है ना। तो जैसे केस दिख रहा है बेटा कि इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, है ना बेटा। तो देख बेटा जैसे दिख रहा है हम लोग को ये दोनों बॉडी जो हमारा है ना, ये वाला बॉडी पे इधर का फोर्स बैलेंस नहीं हुआ बच्चा, तो इधर भी इसका एक्सीलरेशन होगा, इधर भी एक्सीलरेशन होगा, बोलो बेटा है ना। अब देखो बेटा इन दोनों के लिए वेज कांस्टेंट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का सेम एक्सीलरेशन, इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होगी, है ना सर। तो बेटा इसके रेस्पेक्ट में अगर ये खुद इधर जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो नंबर बीबी से ही हो गया बेटा, ठीक है। सी कहता है हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सही है ना बच्चा। ये भी देख लो एक्सीलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ सी इज ग्रेटर देन जी साइन थीटा। बोलते बच्चा अगर इंक्लाइन सरफेस पे अगर फोर्सेस का हम कंपोनेंट करें तो इस एन का भी कंपोनेंट यहाँ पे आएगा ना, बोलो। यस सर। इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो एम जी साइन थीटा तो होगा ही होगा बेटा, एन साइन थीटा भी होगा ना, इसलिए जी साइन थीटा से बड़ा हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो डी भी हमारा सही है सर। 8 देखो, 8 में एक ट्रॉली है बेटा हमारा 8 किलोग्राम का स्टैंडिंग वाले फ्रिक्शनलेस सरफेस इनसाइड व्हिच एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 केजी इज सस्पेंडेड। देखते बच्चा 8वां नंबर में एक ट्रॉली है बच्चा, है ना, इसमें एक मास था सस्पेंडेड, लेकिन अभी ये मास ऐसे हो चुका है, ठीक है। इस पे लगाया है कांस्टेंट फोर्स एफ और एंगल बेटा 37 डिग्री का है, तो इसमें एक्सीलरेशन होगा ना बेटा, बोल। तो इसके अंदर खड़े हो जाओ तुम, तो पहले तो बोलोगे पूरा सिस्टम साथ में मूव कर रहा है बेटा, एफ इक्वल टू 8+2 × a होगा ना, बोलो। टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। अब इस बॉब की बात कर दो बेटा इसके फ्रेम में, तो क्या कहोगे, एम जी हमारा नीचे, टेंशन फोर्स होगा बेटा ऐसा, इधर लगेगा स्यूडो फोर्स, बोल, होगा। यस सर। ठीक है, एंगल तुम्हें दिया हुआ है 37 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट करो ये बराबर ये टी निकल जाएगा, और इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो इसको बैलेंस करेगा, तो ए निकल जाएगा, ए को यहाँ पुट करोगे तो एफ निकल जाएगा। आगे बोलो। 11 देखो, 11 नंबर 10 भी चाहिए, चलो 10 देखो। कहता बेटा फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, खुद से सोचो बेटा 10 नंबर, खुद से सोचो एफ बराबर एम ए, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, ठीक है बच्चा। देख बेटा 11 नंबर में ये बेटा देख, ये पुली इधर जा रहा है यू स्पीड से, है ना, स्पीड ऑफ बी, इसकी वेलोसिटी है बेटा वी नॉट, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इसकी चलो मैंने मान ली वी वेलोसिटी, है ना बेटा। टेंशन का डायरेक्शन दिखाओ, ये टेंशन इसके लिए समेशन ऑफ टी डॉट बी बराबर 0, तो टी वी नॉट, और इसके लिए माइनस टी यू, इसके लिए माइनस टी वी इक्वल टू 0, इसका मतलब बेटा वी इक्वल टू यू प्लस वी नॉट, बोलो बच्चा, है ना, ये क्या बड़ा हो गया, वी इक्वल टू वी नॉट माइनस यू, है ना बेटा, बोल। वी नॉट था ना, क्या था, एक मिनट, नहीं बी ए भी है बेटा, ये तो रुक जाओ, ये है बी, कर लेंगे, हो गया, कर लोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चा। एक्सेलरेशन से कुछ है ही नहीं, डिफरेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन,
तो चलो बेटा आज के लिए स्पीड ही निकालनी है। ऑप्शन ऑप्शन और भी ऑप्शन है बेटा, एक्सेलरेशन का भी ऑप्शन है देखना। हां हां जो बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी डिस्कस, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर होमवर्क। फ्रिक्शन तुम कंप्लीट करना एक्सरसाइज 1। जय श्री राम सर। ठीक है सर, कर चुके थे ना। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।